इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं टीचिंग शोबे में गिरते हुए मियार के ताल्लुक से। वैसे दर्स व तदरीस यानी टीचिंग का शोबा बहुत ही अहमियत और बड़े विकार का शोबा माना जाता है। कौम और देश का मुस्तकबिल इसी शोबे से बनता और बिगड़ता है। आज तक जितनी भी कौमें और ममालिक तरक्की पजीर हुए हैं, इसी एक दर्स व तदरीस के शोबे की अनथक मेहनत और काविशों से हुई हैं। इस शोबे की इन्हीं खिदमात को देखते हुए इस शोबे में काम करने वाले अवाम का एहतराम भी अवाम की नज़रों में उतना ही अहम था जिसके वो मुस्तहक थे। लेकिन आज के हालात पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि किस कदर टीचिंग जैसे अजीम शोबे का मियार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हालांकि आज के बनिस्बत पहले टीचिंग फील्ड में काम करने वालों की तनख्वाहें बिल्कुल मामूली सी हुआ करती थी, आज की तनख्वाहें 40,000 से लेकर 1.5 लाख के दरमियान हैं। लेकिन फिर भी अपने पेशे से हद दर्जे की नाइंसाफी बरती जा रही है। कुछ एक तो टीचर्स अक्सर अब्सेंट रहते हैं और सेटिंग करके प्रेजेंट डलवा लेते हैं, कुछ एक तो सियासतदानों की चमचागिरी करके इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने फरीजे से आंग चुराते हैं। बास तो ऐसे भी होते हैं कि मौजूद रहते हुए भी अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए जाना भी मुनासिब नहीं समझते। मैंने सुना है कि किसी जगह हेडमास्टर को लिटरली टीचर साहिबा को हाथ पकड़कर क्लासरूम तक पहुंचाना पड़ता है। अक्सर असातिज़ा तो टाइम पास ही करते हैं कि कब ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो और कब घर चले जाएं। इनके लिए तो बच्चों का मुस्तकबिल कुछ भी मायने नहीं रखता। अपने बच्चों को तो पढ़ने कॉन्वेंट में भेजते हैं और दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। हालांकि देखा जाए तो कॉन्वेंट की टीचर्स की तनख्वाह इनसे बहुत कम होती है। एक सरकारी टीचर की तनख्वाह से निजी स्कूल में 5 टीचर अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छी तनख्वाह पाने वाले सरकारी टीचर्स अपने पेशे से गद्दारी करते हैं। पता नहीं इनका ज़मीर कैसे गवारा करता है। हालांकि हर मज़हब अपने पेशे से ईमानदारी करने की बात करता है। इस्लाम तो कहता है वर्किंग आवर्स में 10 मिनट भी फजूल ज़ाया करना, ये 10 मिनट हराम कमाई में शामिल हो जाता है। खैर, कहना यही है कि टीचिंग का शोबा एक अजीम शोबा है जहां रोजी रोटी के साथ साथ नेकी कमाने और मुल्क को कौम का मुस्तकबिल संवारने का मौका मिलता है। वैसे कुछ एक अच्छे असातिज़ा और टीचर्स भी हैं जो वाकईतन पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं कुछ एक ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जो स्कूल आवर्स में मोबाइल तक भी इस्तेमाल करना गवारा नहीं करते। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि टीचिंग एक नोबल शोबा है जहाँ काम करने से जिस्म और रूह दोनों को तस्कीन मिलती है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी यकीनन हो जाती है। इसलिए चाहिए कि इस शोबे के साथ पूरी ईमानदारी बरती जाए ताकि मुल्क और कौम का मुस्तकबिल शानदार रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।